दिस इज नूर फ्रॉम द वन मैन शो और आज हम बात करने वाले हैं अबाउट डिसिप्लिन, मतलब के अनुशासन। तो दोस्तों आइए जानते हैं सबसे पहले कि डिसिप्लिन एक्चुअली होता क्या है, डिसिप्लिन किस चीज़ को कहा जाता है। हमारे हिसाब से हमारी इंडियन सोसाइटी में अगर डिसिप्लिन की बात हो तो हम डिसिप्लिन स्कूल की लिमिट्स तक समझते हैं। जब तक स्कूल चलता है हमें लगता है तब तक डिसिप्लिन होगा और उसके बाद से डिसिप्लिन ख़त्म हो जाता है। डिसिप्लिन का एक वेल डिफाइंड डेफिनेशन हमारे पास है ही नहीं। हमको ऐसा लगता है कि डिसिप्लिन मतलब स्कूल। स्कूल के बाद में जब आप कॉलेज जाओगे, जब आपकी एक्चुअल लाइफ शुरू होगी उसके बाद में, वहाँ पर डिसिप्लिन का दूर दूर से कोई लेना देना होता नहीं है। डिसिप्लिन होता है जब तक आप यूनिफॉर्म में होते हो, जब तक आप स्कूल जाते हो, उसके बाद में सारे डिसिप्लिन जो है वो आप बेच के खा लेते हो। आपको कुछ मतलब ही नहीं होता डिसिप्लिन से कि डिसिप्लिन है क्या। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि डिसिप्लिन है क्या और ये लाइफ में कब तक चलता है। डिसिप्लिन इज़ अ लाइफस्टाइल। डिसिप्लिन क्या है? ज़िंदगी जीने का तरीका। अगर कोई उठे सुबह में बिना ब्रश किए, बिना कपड़े पहने बाहर निकल जाए तो क्या वो इंसान रहेगा? नहीं, वो जानवर रहेगा। हर इंसान की लाइफ प्रोग्राम होती है। अगर एक किसी इंसान की लाइफ प्रोग्राम नहीं है तो वो एक जानवर है। तो सिंपल सी चीज़ है कि अगर आप इंसान हो इसका मतलब आपकी लाइफ प्रोग्राम है, मतलब आप डिसिप्लिन में हो और उस डिसिप्लिन को और बेहतर बना के आप अपनी लाइफ को भी और बेहतर बना सकते हैं। आप जैसे कि आपका दिनचर्या है, जैसे कि आपका डेली शेड्यूल है, वो कैसे है कि आप जब भी सुबह में उठ गए, आपकी आँख खुल गई तो हाँ सवेरा हो गया, उसके बाद में डिसिप्लिन के मुताबिक जैसे भी अपने आप को आपने ढाल रखा है, आप उठेंगे, अपना जो भी है डेली के काम है वो सारे करेंगे, नहाएंगे, धोएंगे, खाएंगे, पिएंगे और अपनी लाइफ को उसी तरह जिएंगे, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, आपके पास कोई बड़े काम है नहीं, तो आपका डिसिप्लिन बहरहाल उस हिसाब से चल रहा है। अगर आपके पास बड़े काम होते भी है तो आप उसको उस हिसाब से मैनेज करते हैं कि यार मुझे 7:15 बजे स्कूल जाना है, मैं 7:45 बजे उठूँगा, फटाफट से करूँगा और स्कूल जाऊँगा। तो इसको हम मैनेज करते हैं, हमारे टाइम को हम मैनेज करते हैं, लेकिन यहाँ पर डिसिप्लिन की बड़ी कमी होती है। डिसिप्लिन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को रूल रेगुलेशन के हिसाब से बांध देना और फिर वो चेंज ना हो। अगर आपने ये बांध लिया है कि मुझे सुबह 6 बजे उठना है तो एनी हाउ आपको सुबह 6 बजे उठना ही होगा, अगर आप रात में 3 बजे क्यों ना सोए। इसे कहा जाता है डिसिप्लिन। अभी क्या होता है कि हम 6 बजे उठते हैं लेकिन किसी दिन जब हम रात में लेट सोते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि यार हम थोड़ा और सो लेंगे, तो ये डिसिप्लिन नहीं है। ये है थोड़ा मोड़ा आपका टाइम मैनेजमेंट ताकि जो दूसरे आपके काम है वो हो सके। तो यहाँ पर इस चीज़ को आप डिसिप्लिन नहीं बोल सकते। डिसिप्लिन का मतलब होता है अगर आपको एक चीज़ करते हो तो उसको इस तरह से किया जाए कि कोई भी मकसद आपके उसके आड़े ना आए, उस चीज़ के आड़े ना आए। आपको वो करना है तो वो आपको करना है, ये होता है डिसिप्लिन। जैसे कि स्कूल में आपको यूनिफॉर्म पहन कर जाना है तो जाना है, नीट क्लीन जाना है तो जाना है, आपको प्रोजेक्ट सबमिट की डेट मिली है उस डेट पे सबमिट करना है तो करना है। इसलिए मैं कह रहा था कि हमारा डिसिप्लिन स्कूल तक ही सीमित रह जाता है। जैसे हम स्कूल छोड़ते हैं ना, तो मैंने बच्चों को देखा कॉलेज भी ऐसा ज्वाइन करते हैं जहाँ पर डिसिप्लिन की कमी हो। ऐसे कॉलेज में, अरे यार वो कॉलेज नहीं वो जेल है ऐसा बोला जाता है। हमारे यहाँ पर कई ऐसे कॉलेजेस हैं जिनके बारे में ये अफवाह है कि वो जेल है। भाई वो कॉलेज नहीं, वहाँ नहीं जाना। अभी स्कूल से तो निकल गए, एक जेल से निकल गए, अब दूसरे जेल में। आप इसको जेल समझ रहे हो, ये जेल नहीं है, ये लाइफस्टाइल है। अगर आप इसको अपना लोगे, अगर आप डिसिप्लिन में ढल जाओगे तो ये डिसिप्लिन आपको कामयाब बना देगा। उसका तरीका क्या है? उसका तरीका है कि एक हफ्ता अपने आप को आप खुद मॉनिटर कीजिए, आप खुद सोचिए, अपना एक चार्ट बनाइए और देखिए आप दिन भर में क्या करते हैं और किस टाइम पर करते हैं और उस टाइम में कितने ऊपर नीचे उतार चढ़ाव होते आ रहे हैं वो देखिए, आप क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। आपको पता चलेगा कि आप कितने रेगुलर हो। आज आप सुबह 8 बजे उठे थे, कल 9 बजे उठे हो, परसों 10 बजे उठे हो, आज आपने खाना 1 बजे खाया था, कल 2 बजे खाया है, कल 4 बजे खाया है, किसी दिन आपने खाया ही नहीं है। ये मैं बहुत बेसिक बातें कर रहा हूँ, इसमें पढ़ाई भी ऐड होगी कि आज आपने इतने वक्त तक पढ़ा है, आपने इतने वक्त एक्सरसाइज की है। तो ये जो आप टाइमिंग मैच करोगे ना, जब ये मैच करोगे टाइमिंग, तब आपको पता चलेगा कि आप बिल्कुल हिले हुए हो। आपको पता चलेगा कि आप एक भी दिन अपने आप को मैच नहीं कर पा रहे हो। और ह्यूमन माइंड और बॉडी में एक आदत होती है कि अगर आप अपना डेली शेड्यूल मैच ना करो तो आपकी बॉडी को उसकी आदत नहीं पड़ेगी, आप उसके यूज टू नहीं होगे। अगर आप रोज़ 6 बजे उठोगे तो एक टाइम ऑफ पीरियड के बाद आपको 6 बजे उठने के लिए किसी अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो डिसिप्लिन क्या बनाना है? आज जो मैं काम जिस वक्त कर रहा हूँ कल भी उसी वक्त करूँगा,
परसों भी उसी वक्त करूँगा। अगर आज मैं 2 घंटा पढ़ता हूँ तो कल भी 2 घंटा पढ़ूंगा, परसों भी 2 घंटा पढ़ूंगा। मैं चाहे तो इसे बढ़ाऊंगा मेरे टाइम को मैनेज करके। हमारा जो अगला वीडियो आएगा वो आएगा अबाउट टाइम मैनेजमेंट, मैं भी से आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले अपने आप को डिसिप्लिन में लेकर आ जाओ। 1 हफ्ता है दोस्तों तुम्हारे पास, अपने आप को डिसिप्लिन में लेकर आना है। कैसे लेकर आना है? 3 दिन आप अपने आप को मॉनिटर कीजिए कि आप डिसिप्लिन में किस तरह से नहीं है, आपका शेड्यूल किस तरह से खराब है। फिर उसको आपको 3 दिन में शेड्यूल में लाना है कि मैं इसी वक्त उठूंगा, इसी वक्त खाऊंगा, इसी वक्त एक्सरसाइज करूंगा, इसी वक्त पढ़ूंगा। उसके बाद में हम सीखेंगे कि टाइम मैनेज कैसा किया जाता है। जब हम ये दोनों चीज़ों को एक साथ इंप्लीमेंट करेंगे ना, तो आपकी लाइफ बड़ी आसान हो जाएगी। आपको लगेगा मेरे पास 24 घंटे तो बहुत है, सो के खा पी के हर चीज़ करके मैं मैनेज कर सकता हूँ। अपनी 10वीं की पढ़ाई हो, 12वीं की पढ़ाई हो, नीट हो, GIT हो, NIT हो, कुछ भी हो, कैसी भी पढ़ाई हो, आप इजीली कर पाओगे, आई प्रॉमिस दैट। तो सबसे पहले अपने आप को क्या करना है दोस्तों, डिसिप्लिन में लाना है। और डिसिप्लिन में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी कमियों को ढूंढना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये 3 दिन का चार्ट बनाइए, और अगर आप डिसिप्लिन में हैं, आपका एक भी काम अगर डिसिप्लिन में, मान लो आप रोज़ सुबह 6 बजे उठते हो, मान लो आप रोज़ 2 बजे खाते हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि कौन कौन सी चीज़ें जो आप डिसिप्लिन में करते हो, और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप अभी इंप्लीमेंट करोगे कि आप डिसिप्लिन में आने वाले हो। तो दोस्तों यही था आज का सेशन। आपको सबसे पहले क्या सीखना है, डिसिप्लिन। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपने वो चार्ट बनाया है या नहीं बनाया है। और प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। दिस इज़ नूर फ्रॉम द वन मैन शो, साइनिंग ऑफ।